हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्लोबल राकेश। तो आज हम बार्सिलोना में यहाँ की बड़ी फेमस स्ट्रीट ला रामला के कॉर्नर में एक एरिया है कैटलूनिया, वहाँ पर। और अब मैं दो दिन और यहाँ पर हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरा शहर जो है वो ये पीछे जो सिटी टूर बस है उससे घूमेंगे। इसकी टिकट्स हैं 40 यूरोस फॉर 2 डेज एंड 30 यूरोस फॉर 1 डे, 24 आवर्स 30 यूरोस एंड 48 आवर्स फॉर 40 यूरोस। तो मैंने 40 यूरोस की ले ली क्योंकि मैं कल भी यहाँ पर हूँ, अगर पूरा ना घूम पाया तो कल भी घूम सकता हूँ। और ये ऊपर हम बैठेंगे, देखते हैं। और आज बादल छाए हुए हैं थोड़ा, देखें मौसम इतना ठंडा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बेईमान है। और अब चलते हैं बस में। और इस तरह की 2-3 कंपनीज हैं, आप जिस कंपनी की टिकट लेते हैं उसी कंपनी की बस में आप घूम सकते हैं। तो मैंने इसमें लिया है, बता रहे हैं फ्री वाईफाई एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और इसमें कमेंट्रीज जो हैं वो सब, अरे यार दूसरी कंपनी की टिकट में हिंदी की कमेंट्री भी थी, इसमें नहीं है। यहाँ पर बहुत से, ये स्ट्रीट जो है बहुत फेमस है भाई पिक पॉकेट्स नॉल के चक्कर में, तो कहीं यहाँ आए तो ध्यान रखें, कोई लूटता नहीं है ऐसा नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा ध्यान रखें ऐसा, ठीक है। अभी 10 मिनट में बस चलेगी तो हम भी चलेंगे साथ और दिखाएंगे आपको मोस्टली अट्रैक्शंस। इस हिप हॉप बस है, हिप ऑन एंड हिप हॉप जो होती है, जहाँ मर्जी उतर जाओ, जहाँ मर्जी चढ़ जाओ, एवरी 30 मिनट से विल कम। तो लेट्स सी, मिलते हैं। बैठ गए वैसे बस में, ये हेडफोन मिला है और इससे कमेंट्री चल रही है कहाँ पहुँच गए। और बसेस में, ट्रेन्स में अभी भी मास्क लगाना ज़रूरी है, बिना मास्क आप नहीं बैठ सकते। और ये कुछ इस तरह से ट्रेस पर नजर, वो सामने पहाड़ी पर एक चर्च है जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। के ऊपर गार्डन बना रहे हैं,
ओलंपिक स्टेडियम राइट टू ओलंपिक्स, वहाँ पर फ्लेम जलाई थी, दैट्स द फ्लेम प्लेस। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है यार, बार्सिलोना कमर्शियल पोर्ट। कार दाइए कार फिर के उतरी आ गई यार, उसके नतीजे आ गई है सामने रहा आता है। This is the Columbus Monument. Yes, ये 60 मीटर टॉल है और ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है, दिस इज कोलंबस मोनूमेंट। यहाँ पर लॉबस्टर बना हुआ है, और ये एक बार मुझे बार्सिलोना एक्चुअली पहले रोमन कॉलोनी हुआ करती थी, बार्सिलिया कुछ इसका नाम हुआ करता था, तो रोमन एम्परर की तीन बड़ी कॉलोनीज में से एक ये भी हुआ करती थी। Each and every building is very beautiful. FedEx रिक्शा में, भाई रिक्शा में FedEx जा रहा। This is modern park at the harbor. Most modern park. Yeah.
और अब यहाँ पर आएगा एक एक्वेरियम जो कि ये सामने सी मॉन्स्टर सीढ़ी है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम इन यूरोप. तो हम यहाँ उतरेंगे और इसको देखेंगे कैसा है या इसको बाद में देखेंगे. हमको भी देख सकते हैं और ये सब देख छोटे झंडे लगे हुए सेलिंग के लिए. और ये पार्किंग एरिया दिस इज अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ये जो कौन सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वेदर स्टेशन यहाँ का ये सामने बीचेज है. टोटल बार्सिलोना में लगभग 5 किलोमीटर का बीच एरिया है और ये पूरा गर्मियों में टोटली ऑलमोस्ट पैक है. ये है जी वेदर स्टेशन. And this is the tallest building in Barcelona. Mapfre. Tallest building in Barcelona. You are from the city. That one. It has some offices and hotel inside. ज़्यादा नहीं 160 feet tall है. ज़्यादा tall नहीं है. 160 मीटर है बट बार्सिलोना की टॉलेस्ट है. टॉलेस्ट इन बार्सिलोना है. ये जी टॉलेस्ट बिल्डिंग. टॉलेस्ट बिल्डिंग इन बार्सिलोना. कैसीनो बार्सिलोना.
This is a street full of very historical buildings. Ek se ek building, alag se alag kahaniyan, har ek building ki full of very historical buildings. Aur inke beech mein ye ek modern building. और एक बड़ा चर्च ओ ये बता रहा है इधर जाना है इधर जाना है इधर ये बता रहा है तो आगे भी उसने बताया इधर जाना है तो इधर ही आना क्या बात है सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी बार्सिलोना में ये वाली दिस होटल इज लाइक एस्केप ऑफ गिफ्ट एंड दिस इज वेयर Over there, Columbus Monument. Awesome. ये होटल एकदम शिप के जैसा दिखता है।
होटल है, शेप लाइक शेप। ये केबल कार यहाँ पर लेते हैं। क्रूज शिप यहाँ से चलते हैं नॉर्मली। ये भाई साहब इधर मेरे सामने की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, नीचे इस तरफ नहीं इस तरफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दिस इज द कोलंबस मोनूमेंट, कोलंबस मोनूमेंट, और इसके साथ ही वो सामने ला रामला ठीक है। और ओ कोलंबस भैया, ओ कोलंबस भैया, ओ कोलंबस भैया कहा जा रहे हैं वो बता रहे हैं। उधर जाना है, उधर जाना है, उधर उधर जाना है, नहीं उधर जाना है। Monument, nice place.